अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हज मुबारक, ईद मुबारक मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को। और जैसे कि आज बकरा ईद का डे वन है और डे वन को अम्मी कलेजी बनाती हैं, बहुत ज़बरदस्त, मतलब ख़ानदान में भी सब बहुत लाइक करते हैं। तो अभी हम लोग शेयर करेंगे रेसिपी जो भी अम्मी बनाएंगी, होप आप लोगों को समझ में आए। और अगर आप लोग इसको ट्राई करें इस रेसिपी को, तो प्लीज़ ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पर बताइएगा विथ पिक्चर, अम्मी को अच्छा लगेगा। कलेजी है 1 किलो मटन। एक सेकेंड अम्मी, वो पहले जो आपने फिश बनाई थी, हाँ, उसके लिए भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे रेसिपी की, उसकी क्या रेसिपी है, अपनी अम्मी से पूछ के बताइएगा, क्योंकि लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। इसमें कभी किसी टाइम बताऊंगी आप जो चीज़ें डालनी है उसमें, मिसाले में फिर कभी बताऊँगी बाद में। ठीक है। और ये कलेजी बना रही हूँ, ये कलेजी मिसाले वाली कलेजी है। और ये 1 किलो मटन कलेजी है, 1 किलो ये कुटी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, ये जीरा पाउडर, ये धनिया पाउडर, ठीक है, लीमू का रस, लीमू मिर्ची, 4 अदद हरी मिर्च, 3 अदद टमाटर, दही। वैसे मैं डाल रही हूँ, वैसे इसमें डलता नहीं है, आज मैं डाल रही हूँ दही भी। ये होती है लेकिन राई के साथ मौजूद नहीं है, पहले राई डालनी पड़ती है, फिर ये कलेजी डलती है, पर राई नहीं है। ये क्या डाल है बताती तुझे? ये सफेद जीरा पाउडर। जीरा पाउडर, ठीक है। नमक निकालेगा, उनके नमक से वो सख्त हो जाती है कलेजी, हार्ड हो जाती है बहुत। नमक नहीं डलेगा, नमक आखिर में डलेगा, नमक इसमें नहीं डलेगा। राई नहीं है, राई मौजूद नहीं है, तो नमक गाइस नहीं डलेगा इसमें। तो बी केयरफुल, नमक कभी भी कलेजी बनाए तो अकॉर्डिंग टू अम्मी नमक नहीं ऐड कीजिएगा, नहीं तो कलेजी जो वो हार्ड हो जाएगी। वो आखिर में डलेगा, बिल्कुल एंड में डालना है। ठीक है, तो इसके 2 स्पून, ठीक है, 2 स्पून चिली फ्लेक्स जो है वो 2 स्पून है। रखना है कितनी देर के लिए? 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि ये टमाटर गल जाए अच्छी तरह। ठीक है, ठीक है, गरम मसाला, हाँ, और इसको ढक के और ये थोड़ा टमाटर गल जाएंगे पूरे, क्या वो टमाटर गल गए, बिल्कुल ऑयल ऊपर आ गया, ये बिल्कुल मसाला तैयार है। वो मसालेदार चलेगी, ये खुश्क वाली होती है, ये मसालेदार है। अब इसमें ऐड करोगे चलेगी, 20 मिनट तक रखना है ये, ताकि ये पानी छोड़ेगी ना, तो 20 मिनट तक ये ज़्यादा आँच पे पकानी है। अच्छा, ये हाई फ्लेम पे पकानी है जी जी, और 20 मिनट तक। ये हरी मिर्ची डाल रही हूँ, इसी के साथ हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, हरी मिर्ची डाल रही हूँ, और ये नींबू, लेमन तो एंड में डाल देंगे ना, हाँ, कर रही हो जाते हैं, डाल
बिल्कुल जब पानी छोड़ेगी 20 मिनट तक इसको जब पानी फ्राई करना ये दही अच्छा ये कलेजी जो थी 1 kg थी, ठीक है जी जी 1 kg थी, 1 kg थी। ये सारी रेसिपी थी मटन की। अभी मटन की कलेजी में स्मेल नहीं होती? नहीं, चाइना में तो होती थी। और उसमें जो है ना बीफ की जो होती है ना उसको फिर लहसुन के साथ वो करना पड़ता है, दाल नहीं नहीं है तो, हाँ फिर उसको वाश कर लो, फिर उसको स्मेल चली जाती है। उसको लहसुन अदरक डाल के उसको थोड़ी देर 5 मिनट के लिए रख दो। वो बीफ की मटन की उसमें नहीं होती। देखो ये बिल्कुल अगर इसमें नमक जानती तो ये हार्ड हो जाती, सब पत्थर की तरह हो जाती। नमक आखिर में डलेगा एंड में, ठीक है। तो सॉल्ट जो है वो आपने एंड में ही ऐड करना है, उसमें हाँ। पहले नहीं, नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी हाँ। कलेजी इसको रखना है, इसको 20 मिनट तक पकना। तो अब डालेंगे हम इसमें, ठीक है। अब ज़्यादा तो नहीं डाल सकते क्योंकि जितना जिसको चाहिए होगा डाल देंगे, ज़्यादा नमक ना हो जाए। उसके अबू को नहीं खाना ना नमक, उसकी वजह से मैं कम डालती हूँ। हर खाने में मैं नमक कम डालती हूँ, वो नहीं खाते नमक। सो एज यू नो गाइज, अब्बू इज हाइपरटेंसिव, तो अब्बू नमक अवॉइड करते हैं। अवॉइड क्या करते हैं, उनको मना है। कलेजी तैयार है, मिसालेदार कलेजी तैयार है, और ऊपर से अब हरी मिर्ची डालूंगी और ये धनिया डालूंगी। Thank you.
अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ईद मुबारक आप सबको और आपके घर वालों को मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से ईद मुबारक। यहाँ एनी है, अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। अम्मी है यहाँ पर, जानती होंगे। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियाँ कबूल फरमावे। आमीन आमीन। बाय बाय। आज है ईद का डे वन और डे वन पे हमेशा से हमारे घर में कलेजी बनती आई है और अम्मी बहुत ज़बरदस्त बनाती है, सिर्फ बकरा ईद पर। और होता ही इस तरह है कि अम्मी सिर्फ बकरा ईद पे ही बनाती है, वैसे नहीं बनाती है। तो बहुत ज़बरदस्त बनाती है, तुम्हें पसंद है ना? बहुत ज़्यादा। और अम्मी बहुत मज़े की बनाती हैं, बहुत बहुत यम्मी। तो हम लोग की कुर्बानी डे टू पे है। कोई फर्स्ट डे करता है, कोई सेकंड डे, कोई थर्ड डे। एनी तुम्हारे क्या प्लान है? मेरे ये प्लान थे कि मैं कह रही हूँ उतन से कि हम बारबेक्यू करते हैं, कुछ अच्छा था कि लगे ईद है। लेकिन बारबेक्यू में काम भी सारा बेटा मैं ही करना पड़ेगा फिर। हाँ, बारबेक्यू तो मिलके कर लेंगे, बारबेक्यू करने के लिए तो कर लें, बट काम सारा बेटा मेरे सर पे आ जाए। हाँ, काम कर। और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। गर्मी तो है और तो, सना भी नहीं है, तो मैं सोच रहा था जब वो आ जाए तभी कुछ प्लान करें। हाँ, तो सना कल इंशाल्लाह मॉर्निंग में आ जाएगी, तो हम लोग का नेक्स्ट व्लॉग जो है वो सना के साथ ही होगा इंशाल्लाह। तो कल सना भी आ रही है और मे बी डे आफ्टर टुमारो सित्रा भी आ रही है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हम लोग कुछ आने वाले हैं। आप लोगों के क्या प्लान होते हैं ईद पर? आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। वैसे मोस्टली ईद पे डे वन पे हल्की नमाज पढ़ के और ईद मिलकर और शीर कोरमा खा के सो जाते हैं लोग, मोस्टली ऐसा ही होता है डे वन पे। फिर शाम में उठते हैं और तैयार होना शुरू होते हैं, फिर डिनर हो गया, कोई आ रहा है या आप लोग किसी के पास जा रहे हैं, तो इसी तरह ईद गुजरती है पाकिस्तान में, आई थिंक सो। और ये बकरा ईद जो है ये काफ़ी टाइम के बाद मैं पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। ईदी तो नहीं चाहिए ना? ईद अपनों के साथ अच्छी लगती है, बहन भाइयों के साथ, अम्मी अब्बू के साथ। तो कुछ लोग होते हैं दोस्तों के पास चले जाते हैं, ऐसे जाना नहीं चाहिए। ईद के दिन अपनी फैमिली के साथ, अम्मी अब्बू के साथ, बहन भाइयों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये बहुत अच्छे मोमेंट्स होते हैं जो फिर लाइफ में आपको कभी नहीं मिलते हैं। बहुत अच्छे सेलिब्रेट करना चाहिए अपनी फैमिली का, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कब उनकी शादी हो जाए और वो कब कहीं और चली जाए। और लड़कों के लिए भी, आजकल तो लड़के भी बेचारे इधर उधर चले ही जाते हैं कोई काम के सिलसिले में। हाँ, लड़कियों से पहले लड़के परदेसी हो जाते हैं, ऐसी ये बात तो सही कही आपने। चलें ठीक है, फिर इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए ताकि हम लोग कुछ पिक्चर्स वगैरह ले लें और कुछ खा पी लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मेरी आदत है कि मैं नमाज़ पढ़ के जब आता हूँ उसके बाद कुछ मीठा खाता हूँ, तब जाकर थोड़ी देर के बाद खाता हूँ। तो मैंने ना अब तक मीठा खाया है ना खट्टा खाया है, कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, आप लोगों के यहाँ कोई स्पेसिफिक डिश बनती है, मतलब ईद के डे वन बकरा ईद पर स्पेशली मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ईद उल फितर में तो हर कोई कुछ ना कुछ मीठा ही खाता है, ज़्यादातर मीठा ही खाते हैं। बट ईद उल अज़हा में ये जो बकरा ईद है जिसको हम लोग बकरा ईद कहते हैं ज़्यादातर, तो बकरा ईद पे आप लोगों के घर डे वन पे क्या बनता है? मतलब कुछ स्पेसिफिक कोई डिश है या बस जो चल रहा है बस वही नॉर्मल? ठीक है, आप ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता हो। तो हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द किसी अच्छे व्लॉग में आपके साथ आएंगे विद सना। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाता हूँ ये कहना, पता नहीं इसे फर्क भी पड़ता है कि नहीं, लेकिन बस अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी तो आई थिंक डिसलाइक भी ना कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और एनी की रेड चुकी है फाइनली। और ये है मेरी बहन, हर नेम इज सादिया, जो कि अभी अभी आई है ईद मिलने के लिए अब्बू अम्मी से। तो अच्छा, हम लोग की जो कुर्बानी है वो नेक्स्ट डे है, सेकंड डे पे कर रहे हैं हम लोग, और हमेशा से सेकंड डे पे ही करते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे जो है मेहमानों का रश होता है, थोड़ा मेहमान आ रहे होते हैं और आप लोग भी कहीं इधर उधर प्लान्स होते हैं आप लोगों के, सेकंड डे होती आई है, तो अभी भी सेकंड डे ही है। तो कुर्बानी की तो मैं कोई वीडियो आपसे शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता जब वो ज़बह कर रहे होते हैं उसको,
जानवर को मुझे नहीं अच्छा लगता, किसी भी एनिमल को किसी तकलीफ में देखकर मैं नहीं देख सकता। मैं इंसान को शायद देख लूँ किसी पेन में, बट मैं किसी जानवर को नहीं देख सकता हूँ। दिस इज़ माई वीक पॉइंट।